सो गैस अपना इलाका पहुंच गए थे, थोड़ा चश्मा लगा ही लेते हैं। मंजिल पहुंचने वाले हैं, भालू लाता, बंदरा लाता, जो भी लाता वो पार हो चुका है। ट्रेन पार हो गया, बोल के मैं दुखी में था। आगे में जाकर थोड़ा सा खड़ा है, देख सकते हैं ट्रेन बहुत दूर में है, लेकिन एक पुलिस सर ने मेरे को बताया कि ट्रेन आगे खड़ी है बोल के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, एक नया ब्लॉग वीडियो में स्वागत करते हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं ये आईजी पार्क है इधर, और इधर ट्रैफिक जाम इधर भी लगता है, इधर पुलिस उलिस है। तो आप उन ब्लॉग पर मेरा ट्रैफिक जाम नहीं हुआ है, गाड़ी चला है, निकलते हैं इधर से। मेरे को जाना इधर है, इधर जाके लेफ्ट में जाना है मेरे को। मैं पहुँचूंगा बोनोगुंडा स्टेशन, वहाँ से साइकिल को लोड करूंगा और निकलूंगा वहाँ से। रोड तो खाली खाली है, आप देख सकते हैं। गाइस मैं जा रहा था ऐसे ही, पीछे भाई लोग देख सकते हैं, ये बोलबम जा रहा है भाई लोग, मजा आ रहा है। पूछते हैं इन लोग से मिल के, बोलबम देंगे, लेकिन मेरे को जाना ही जरा है मेरा बोंडा मुंडा में। पानपोस ठीक है, मेरे को नहीं जाएंगे, मेरे को अगर ट्रेन नहीं पकड़ने जाता ना तो जरूर जैसे चला। अरे इधर ऑटो में देख सकते हैं, दोस्ती लोग जा रहा है ट्रेन में, मेरे को जाना है इधर से लेफ्ट। गाइस तो निकलते हैं, ट्रेन अभी 4:30 है मेरा। तो गाइस मेरे को जाना बोंडामुंडा रेलवे स्टेशन है, लेकिन ये रास्ता मैंने जिंदगी में पहली बार जा रहे हैं रास्ता में। ये क्या है, कहाँ का सीन सब है मेरे को भी पता नहीं चल रहा है। तो रास्ता अलग जगह भी घुस गए थे, इतना है मैप में देखते हुए जा रहे हैं स्टेशन, किधर किधर होके घुमा के ले रहा है, समझ में ले रहा है जिंदगी पहली बार ये रास्ता जा रहा हूँ। तो ये क्या बड़ा सा इधर दिख रहा है पता नहीं चल रहा है गाइस। तो सो गाइस मैं फाइनली देख सकते हैं ये ट्रेन इधर चल रहा है, पटरी के बगल में मेरा रास्ता है, यही रास्ता में मैं जा रहा हूँ, ये रास्ता में, और इधर ट्रेन चल रहा है गाइस। सो फ्रेंड्स ट्रेन पार हो गया, बोल के मैं दुखी में था। आगे में जाकर थोड़ा सा खड़ा है, देख सकते हैं ट्रेन बहुत दूर में है, लेकिन एक पुलिस सर ने मेरे को बताया कि ट्रेन आगे खड़ी है बोल के। खुशी लगा सर, खुशी लगा यार, मैं तो अभी साइकिल में कोलपोट का जाने वाला था ना, डेंजर। देखते हैं, सो गाइस ट्रेन बोंडामुंडा से छूट चुका है, बोलबम के वजह से सब कोई जा रहा है महादेव साल, तो पूरा जबरदस्त भीड़ हो रहा हुआ है ट्रेन में, पूरा खतरनाक वाला। मेरा जिंदगी में कभी इतना भीड़ नहीं देखे थे डीएमओ में, आज हुआ है सही में। ट्रेन यहाँ हिल रहा है, तो भाई बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, करने का नहीं, सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा। क्या मिलेगा बताएगा सबको, मिलेगा क्या मिलेगा भाई, मिलने वाले को मिलेगा। यहाँ पूरा थोड़ा हिल हिल के चल रहा है, इसीलिए धक्का मुक्की दे, सबको मिलेगा बोल रहा है भाई। सो गाइस ट्रेन में सीट तो पूरा फुल है, इसलिए ये भाई को देख सकते हैं नीचे बैठा है, और ये माताजी लोग भी बैठे हैं, बहुत कोई बैठे हैं इधर उधर सब तरफ, तो सब बहुत कोई खड़ा है, बहुत कोई नीचे में बैठे हैं, और ये भाई लोग खड़ा है, और ये भाई बैठा है। तो क्यों बैठा है भाई, थोड़ा बता, जगह ही नहीं है, और ये भाई भी बैठा हुआ है नीचे में, और सबका टांग सब देख सकते हैं, ये पांव सब भाई जो भी ये दिख रहा है ये पांव है। बस ट्रेन में भीड़ तो देख सकते हैं, चाचा जी मेरा रास्ता क्लियर करते जा रहे हैं, और भीड़ यहाँ धमाकेदार है, आप लोग देख सकते हैं, मतलब बहुत जबरदस्त भीड़ है। तीन तीन चाचा दो दो आदमी बैठने जगह में, चाचा आदमी बैठे हैं सीट में, फिर भी जगह नहीं रहा, इतना जबरदस्त भीड़ है। तो ये भाई हम लोग का जा रहे हैं, नहीं नहीं ब्लॉग वीडियो बना रहे, कोई फ्रेंक व्रेंक नहीं कर रहे, बता रहे जो कर रहे हैं। तो मेरे चाचा जी हमको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ट्रेन में इधर उधर आने जाने के लिए। तो देखते हैं, भीड़ तो पूरा जबरदस्त है, खतरनाक वाला भीड़ हुआ है आज ट्रेन में, लेकिन मानना पड़ेगा। तो बस इतना ही दूर जाते हैं, इतना ही दूर। तो ऐसे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू चाचा जी। तो निकलते हैं गाइस इधर से, यहाँ ट्रेन में एक हीरो मिल गया है, आप लोग देख सकते हैं, ये बड़ा हीरो है, और इधर छोटा हीरो है, देख सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई, थोड़ा बताइए, राउरकेला से, वहाँ का स्टार है ना, थोड़ा नाम बता दे। अरे जोर से बोल यार, सुनाई भी नहीं दे रहा है। अमर प्रधान है ये, कोई दो चार को मूवी भी बना चुका है, हीरोइन लोग के साथ पूरा धमाकेदार बनाता है, लेकिन अभी हीरोइन सब को लेके नहीं आया है भाई का। और ठीक है, इधर चना वाला आप लोग देख सकते हैं, ये इधर जा रहा है, और ये भाई लोग पूरा एंजॉय करते जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई, महादेव साल, मतलब यहाँ पूरा ट्रेन में जितना भी
आदमी अधिकतर आदमी महादेव साल ही जा रहा है तो बहुत मजा आ रहा है, यहाँ एंजॉय करते हुए हर कोई जा रहा है। फिलहाल बिसरा पहुंच चुके हैं लेकिन यहाँ पूरा जबरदस्त भीड़ होने वाला है फिर से, अभी पूरा खतरनाक देख सकते हैं, भीड़ इतना चढ़ रहा है उधर से और बाहर में भी और है। सोचे थे नीचे उतरेंगे बोल के लेकिन उतरने का मौका ही नहीं मिला और बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है। सो गाइस भीड़ तो जबरदस्त हो गया है, जैसे जैसे स्टेशन जा रहा है वैसे वैसे भीड़ होते जा रहा है, अभी पाँव रखने का तक जगह नहीं है, सब तरफ आदमी है। भाई बोल रहा है कि वीडियो मत बना, चोरी करने का मोबाइल को बोल रहा है, यार कौन चोरी करेगा भाई बता ना, चोरी कर मिलेगा तो चलती ट्रेन में किधर भागेगा लेके बता है। ये भाई बोल रहे हैं कि बहुत भीड़ हो गया और एक बार वीडियो बना बोल रहा था, तो ये खतरनाक भीड़ पूरा जबरदस्त वाला भीड़ हो गया है, सब तरफ चारों तरफ जबरदस्त वाला भीड़ हो चुका है। तो मेरा तो सुबह मेरा मंजिल पहुंचने वाले है, भालू लाता बंदरा लाता जो भी लाता था वो पार हो चुका है। तो आप लोग अभी जरई केला राउंड केला से जरई केला अभी पहुंचने वाला है, तो आप लोग वहीं उतरेंगे और अपना घर जाएंगे। तो गैस अपना इलाका पहुंच गए थे, थोड़ा चश्मा लगा ही लेते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा। भाई लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं मेरा साइकिल उतारने में, ये देख थैंक यू भाई लोग, थैंक यू भाई लोग का, बहन लोग बहुत बहुत शुक्रिया, पहले घर जाते हैं। फ्रेंड्स ट्रेन इधर है देख सकते हैं और मेरा बाइक में अपन निकलते हैं इधर से, बहुत ही मजा आया मेरा सफर यहीं तक, अभी निकलते हैं इधर से गाइस। ट्रेन में बहुत जबरदस्त भीड़ है आप देख सकते हैं, ओ सेल्फी ले लो भाई लोग बोल रहा था। तो अपन निकलते हैं गाइस, पानी प्यास तो पूरा जबरदस्त का लगा है लेकिन ट्रेन में पूरा एक से एक आदमी है, सब घूर घूर के हमको देख रहा है गाइस। ओ गाइस ब्लॉग वीडियो बनाने चक्कर में सीढ़ी पार हो गए, तो सीढ़ी मेरे को इधर है, सीढ़ी इधर बगल में है, ब्लॉग बनाते बनाते मैं निकल गया इधर, मेरे को जाना है सीढ़ी में, यहाँ से जाना है मेरे को। तो निकलते हैं गाइस इधर से, ढो के पूरा एंजॉय करते। तो सो फ्रेंड्स साइकिल उठा लिए जबरदस्त और निकलते हैं इधर से जो कि यहाँ सीढ़ी में, ट्रेन रेन इधर है, बहुत मजा आ रहा है वैसे तो, पानी पिएंगे अभी जाके उधर, बहुत पानी भी प्यास लग गया गाइस। तो ऊपर में चढ़ गए तो साइकिल रखते हैं और निकलते हैं गाइस इधर से। सो फ्रेंड्स ये रहा धानापाली का नदी देख सकते हैं, और यहाँ पे मेरे बैग में हमेशा कुछ खाने पीने का सामान रहता ही है, जब भी एनर्जी कम लगता है मैं केला खा लेता हूँ गाइस, और फिर खा पी के एनर्जी में रहता हूँ और मस्त एनर्जी से जो दिल करता है वो काम करता हूँ, पूरा एनर्जी लगा गया, बहुत ही मजा आता है। तो गाइस आज का ब्लॉग वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।